समय भारत को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। निकम्मी सरकार विपक्ष बेकार। जी हाँ, स्वराज इंडिया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने पटौदी विधानसभा में इसी नारे के साथ एक जनसभा को संबोधित किया और पटौदी विधानसभा से स्वराज इंडिया पार्टी के उम्मीदवार एडवोकेट दीपक के लिए वोट मांगे। योगेंद्र यादव ने खट्टर सरकार की नाकामी को बताते हुए कहा कि हरियाणा में बलात्कारों की संख्या 950 से बढ़कर 1450 हो गई है। 2014 में शराब की बोतलों की खपत 21 करोड़ थी जो कि अब 32 करोड़ हो गई है। स्वराज इंडिया पार्टी ने किसानों के लिए रेवाड़ी में 52 दिनों तक धरना दिया, तब जाकर 26% बाजरा खरीदा गया और हरियाणा बेरोजगारी के मामले में देश में नंबर वन पर है। साथ ही योगेंद्र यादव ने सरकार पर टिकट खरीद फरोख्त के इल्ज़ाम लगाए। जब सरकार उम्मीदवारों को 5 करोड़ 20 करोड़ में टिकट देगी तो क्या आपको लगता है कि वह उम्मीदवार आपके भले के लिए काम करेगा? देश को चलाने का एक सिस्टम होता है, जब कोई सरकार बनती है और वह अच्छा काम करती है तो जनता 5 साल बाद विचार करती है। स्वराज इंडिया एकमात्र पार्टी है जो हरियाणा में पूर्ण रोजगार का एक मॉडल लेके आई। पहली बार एक पार्टी है जो खाली घोषणा नहीं कर रही, खाली दावे नहीं कर रही, पूरा एक्शन प्लान दिया है स्वराज इंडिया ने। कैसे 20,000 करोड़ रुपए के बजट से 20,00,000 नौकरी हरियाणा में दी जा सकती है। तो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और बेरोजगारी दूर करने के लिए किसान की आमदनी बढ़ानी पड़ेगी, उसके लिए शिक्षा को बेहतर करना पड़ेगा, उसके लिए स्वास्थ्य को बेहतर करना पड़ेगा। स्वराज इंडिया वो मॉडल लेके आई। हरियाणा का दुर्भाग्य ये है कि एक तरफ तो निकम्मी सरकार, दूसरी तरफ विपक्ष बेकार। सरकार जिसने अपने एक वादे को पूरा ना किया, कर्जा बढ़ा दिया 1.5 गुना, लड़कियों पे बलात्कार की घटना 1.5 गुना, हरियाणा के अंदर जो भी करतूतें हो रही, जो घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में बोलते हुए शर्म आती है। शराब की बिक्री बढ़ गई है, मुख्यमंत्री कहते हैं 1-1 दाना बाजरे का खरीदा। मैं उनसे कहता हूं आज आके वो पटौदी में देख लें कि क्या किसान की फसल खरीदी जा रही है। और बेरोजगारी में हरियाणा 1 नंबर प्रदेश हो गया है पूरे देश। ऐसे में दुर्भाग्य ये है कि हमारा इतना निकम्मा विपक्ष भी है जो इन सवालों को उठा नहीं पा रहा। स्वराज इंडिया सिर्फ विपक्ष के लिए विपक्ष नहीं कर रहा, स्वराज इंडिया प्रतिपक्ष है। हम विरोध के साथ साथ विकल्प देते हैं और उस सच्चे विकल्प की राजनीति करने आए हैं। और हमारा सौभाग्य है कि पटौदी से हमारे भाई दीपक एडवोकेट, जो एक बहुत सामान्य पृष्ठभूमि से उठ के आज समाज के इस मुकाम तक पहुंचे हैं, वो हमारे कैंडिडेट हैं और लोगों के दुख सुख के लिए उनके बीच में रहकर काम करेंगे।